आज हमारे बहुत पूज्य स्वामी जी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। देह दो पर वक्ता भी वही है और श्रोता भी वही है, सो वही आज बोलेंगे, वही आज सुनेंगे। इसीलिए आज हम एक नई रचना, भजन एक नया आपके लिए आज प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे मन अंतर की पीर सुनाऊं तुम्हें ए गुरुवर, ए गुरुदेव मैं अपने मन की बात तुमको सुनाऊं। पीर का अर्थ सिर्फ दर्द ही नहीं होता है, प्रेम की भी पीड़ा होती है, और जब ये बहुत गहरी हो जाती है तो वास्तव में ऐसी है कि आनंद पूरा है पर आंख में आंसू है, होठों पर स्मित है, मुस्कान है और रोम रोम खिला हुआ है। इसको हम कहते हैं प्रेम की पीड़ा। मेरे मन अंतर की पीर जी सुनाऊं तुम्हें ए गुरुवर, मेरी आस प्यास तुम ही बताऊं तुम्हें ए गुरुवर। बसे हो तुम हर दिल की तुम धड़कन, हर जा में बसे हो तुम हर दिल की तुम धड़कन, मेरे हृदय कंवल में तुम खिल रहे हो बन मधुबन, मेरे हृदय कंवल में खिल रहे हो बन मधुबन, मेरी आस प्यास हो तुम वो तुम ही हो मेरे साजन, मेरी आस प्यास हो तुम वो तुम ही हो मेरे राजन, मेरे मन अंतर की
मन अंतर की पीर सुनाऊं तुम्हें गुरु वै मेरे मन अंतर की पीर सुनाऊं तुम्हें मेरे मन अंतर की पीर सुनाऊं तुम्हें
जहाँ मैं बसे हो तुम, हर दिल की तुम धड़कन, मेरा हृदय कमल हो तुम, खिल रहे हो बन मधुबन. Now point is, if you are in such a deep love with your master, then this very world will become heaven for you. You don't have to die to go to an illusionary projected heaven. God knows whether it exists or not. जिसके हृदय में प्रेम का कमल खिल जाता है, उसके लिए यही संसार एक जन्नत, स्वर्ग, बैकुंठ, सचखंड, जो शब्द लेना चाहो वही ले लीजिए. जिस मन में अज्ञान है, उस अज्ञान में पीड़ा होगी. जिस मन में ज्ञान का प्रकाश है, उस मन में शांति होगी. प्रश्न यह है कि क्या हमारे मन में ज्ञान का प्रकाश है, या हमने अपने चित्त में अज्ञान को बैठा करके रखा है. चक्कर यह है, अब क्या करें स्वामी जी. लोग ना, स्वामी जी की बातें जो होती हैं, देखिए द वर्ड इज स्वामी जी, उसके बाद क्या आता है डजंट मैटर्स. वन थिंग इज कॉमन, दैट इज स्वामी जी. वेदर अद्वैतानंद, शिवानंद, सत्यानंद, निर्विकल्पानंद, वट एवर आनंद बिगिन्स फ्रॉम स्वामी एंड एंड्स विद आनंद, सेम थिंग. सो आई वॉज वेरी यंग, आई जस्ट सेड दिस टू आर वेरी डियर स्वामी जी ऑल्सो. मैंने इनको पूछा, मैंने कहा आप टीवी में आया करते थे ना? बोले हाँ. बोले कई बार. मैं आप आसन सिखाते थे? बोले कई बार. तो मैंने कहा जब मैं घर में रहती थी तो ये शरीर जब टीवी में स्वामी जी को आसन सिखाते देखा, तो उसको देख देख करके एक्चुअली मेरा जो हलासन है आदि, ये सारे आसन मैंने वहीं से सीखे थे. सो थैंक यू स्वामी जी फॉर कमिंग ऑन टीवी. एकलव्य. सो स्वामी जी के जो प्रसाद होते हैं ना, वो देखो कैसे कैसे पहुंचते हैं. और पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज की तो मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ. द वर्क ही डिड, द ग्रेटनेस विच ही हैड, इन हाउ मेनी ब्यूटिफुल वाइब्रेंट टीम ऑफ हिज डिसाइपल्स वर क्रिएटेड बाय हिम, और उनको सारी दुनिया में भेजा उन्होंने कि जाओ जाकर के सिखाओ भक्ति, योग, ज्ञान, कीर्तन. जिस चीज से कोई अपनी यात्रा को शुरू कर सके, उसी से उसकी यात्रा शुरू कराओ. नॉट नेसेसरली कि भक्ति सबके लिए है, और ये भी जरूरी नहीं कि सब लोग हठ योग कर सके. ऑल दो मैं ये फिर भी बात कहना चाहती हूँ, मैंने कल भी कही थी कि जिस शरीर से हम जी रहे हैं, इस शरीर के स्वास्थ्य की गारंटी अगर हो सकती है तो वह आसनों के अभ्यास से ही हो सकती है. अन्यथा आसन नहीं करते हैं तो फिर क्या है, किसी फिजियोथेरेपिस्ट, किसी ऑर्थोपेडिक, किसी न किसी डॉक्टर के चक्कर में पड़ना पड़ेगा. अब कई लोग सोचते हैं लो जी सारे योगासन करके स्वस्थ हो जाएंगे, तो हमारे डॉक्टर जिन्होंने 6 साल लगा के पैसा खर्च करके पढ़ाई करी, वो बेचारे मक्खी मारेंगे. तो इसलिए उन डॉक्टरों को रोजगार देने के लिए कई लोग कहते हैं हम योगासन नहीं करते, हम बीमार होंगे उनके पास जाएंगे. उन्होंने भी बच्चे पाल ले अपने. पर योग आसनों की आवश्यकता निश्चित रूप से है. मन के तल पर उपासना की जरूरत निश्चित रूप से है, और बुद्धि के तल पर ब्रह्म विद्या की निश्चित रूप से जरूरत है. आप इसमें कुछ छोड़ या कुछ पकड़ नहीं सकते. कई लोग जिद में आ जाते हैं, तो वो जिद अच्छी बात नहीं होती. कोई भी जिद अच्छी बात नहीं होती. तो एक स्वामी जी की बड़ी सुंदर मुझे कहानी याद आ रही है जो बचपन में मैंने सुनी थी. अमृतसर में वेदांत सम्मेलन होता था, और बहुत महात्मा लोग आया करते थे, और माँ की अंगुली पकड़ के, माँ जाती थी तो हम लोग जाते थे, तो
हमारा बचपन संत महात्माओं को श्रवण करके, दर्शन करके, उनकी बात सुन के, उनका रूप देख के, उनकी खूबसूरती, महात्माओं की बड़ी खूबसूरती होती है, एक बड़ा उनका डायनामिज्म होता है, उसको देख करके बड़े हुए हैं। खैर, कहानी पे आती हूँ कि एक चींटी अपनी सहेली को कहती कि चल तुम्हें मैं एक हलवाई की दुकान में लेके चलती हूँ, वहाँ बड़ा मज़ा आएगा, वहाँ बड़ा बड़ा सामान, कैसी कैसी मिठाई, कैसा कैसा रंग, और मिठाई मीठा मिठाई मीठा। गुजराती चींटी थी ना, तो दोनों चींटियाँ गई मीठा ढूंढने के लिए। अब उसने कहा कि देखो यहाँ आकर के ना हमारी तो धुन लग जाएगी, हमारी तो सूरत जग जाएगी मीठा खाने में, तो हम तुमको नहीं देखने वाले, तुम अपने आप जहाँ जी करे खाओ, जहाँ जी करे बैठो, और फिर सुबह में हम दुकान के बाहर मिलेंगे। देखो समय पे निकल जाए, नहीं तो आदमी लोग हमें मार देंगे, पाँव के नीचे दबा देंगे, इसलिए जल्दी से फिर निकल लेंगे, ठीक है। अब उनका खाना पीना शुरू हुआ, रात भर खाती रही, सुबह हुई चींटियाँ दोनों बाहर आई, तो जो चींटी लेके गई थी वो पूछती बता मज़ा आया, दूसरी चींटी कहती काहे का मज़ा आया, कोई मज़ा नहीं आया, झूठ बोला, उसमें तो कुछ था ही नहीं, सब नमक 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 नमक, सब नमक। बोले हैं हम एक ही दुकान गए कि किसी दो में, बोले ऐसे कैसे हो सकता है। तो चार घंटा उससे लड़ाई करती रही कि तू मेरी रात खराब करी, मीठा मिलेगा ये कह के, मिला तो कुछ भी नहीं। चींटी ने कहा अच्छा ऐसा है, जरा अपना मुंह खोल। तो उसने मुंह खोला तो उसके मुख में नमक की डली पड़ी हुई थी। मुख में नमक रख के तुम मीठा खाओगे तो मीठे का आनंद कैसे आएगा।